नमस्कार पिछले नमस्कार पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान की जनता को बहुत मुश्किलें सहनी पड़ी, ख़ासतौर से जो हमारे गरीब लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलें सहनी पड़ी थी। तो अब हम कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को न्याय देने जा रहे हैं। न्याय जो हमारा मिनिमम इनकम गारंटी का स्कीम है, न्यूनतम आय योजना उसका नाम है, उसकी मैं डिटेल्स थोड़ी आज आपको बहुत खुशी से गर्व से देना चाहता हूं, क्योंकि ये शायद ऐतिहासिक ऐसा स्कीम, हिंदुस्तान को छोड़िए दुनिया में ऐसा स्कीम नहीं किया गया है। तो आपने काफी सवाल मुझसे पूछे हैं, जहां भी मैं जाता हूं युवा जनता किसान मजदूर मुझसे पूछते हैं ये आमदनी की लाइन, मिनिमम आमदनी की लाइन क्या होगी और इस स्कीम का की स्ट्रेंथ क्या होगी, ये स्कीम मतलब कितने लोगों को मदद करेगा। तो मैं ये आपको, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के गरीबों से कहना चाहता हूं, लाइन 12,000 रुपए 12,000 रुपए महीने की होगी। हाँ, सरप्राइज हुए ना, शॉक हुए ना, मतलब इतना पैसा हिंदुस्तान में भाइयों और बहनों है। तो कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शॉक मत होना, अभी धमाका बटने जा रहा है, 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। फिर से कहता हूं, साल में, एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात हर धर्म हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को, तो अभी आपने देखा किस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये मिनिमम आय की लाइन क्या होती है। तो उन्होंने समझाया कि मिनिमम आय की लाइन 12,000 रुपये होती है। ये तो मुझे समझ में नहीं आया, पहले राहुल गांधी जी ने कहा 12,000 रुपये लाइन होगी, फिर उन्होंने जब लिखे हुए को देखा तो वहाँ पे लिखा हुआ था 12,000 नहीं बल्कि 72,000, तो उन्होंने फिर 72,000 की बात कही। वो सब तो अच्छा है कि गरीब के लिए कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, नेहरू जी के समय से गरीबों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। नेहरू जी भी गरीब के लिए कई सारे योजना लॉन्च किए, काम किए, गरीबी हटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन गरीबी नहीं हटी। इंदिरा गांधी भी आई, वो गरीबी हटाओ देश बचाओ के नारे देकर सत्ता में होती, लेकिन उनसे भी गरीबी नहीं हटी। फिर उनके बेटे राजीव गांधी आए, उनसे भी गरीबी नहीं हटी। अब राहुल गांधी गरीबी हटा रहे हैं, तो ये अच्छा कह सकते हैं, इसका एक अच्छा प्लान है ये कांग्रेस पार्टी का। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को 12,000 रुपये दिए जाएंगे या 72,000 रुपये। और एक बात और पूछनी है कांग्रेस पार्टी के लोगों से कि प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला अकाउंट चलेगा या फिर कांग्रेस की कोई नई अकाउंट खुलवानी पड़ेगी। अगर आप लोगों को भी पता हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।